गोरी देवी महाविद्यालय में मतदान व चुनाव मतगणना में हुई कथित धांधली को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर व मुख्य चुनाव अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। गोरी देवी महाविद्यालय की छात्र संघ उपाध्यक्ष पद की उम्मीदवार ईशिका शर्मा ने बताया कि वह महाविद्यालय से उपाध्यक्ष पद की प्रत्याशी रही। उन्होंने बताया कि मतगणना सुबह 10 बजे कॉलेज प्रांगण में शुरू हो गई, उसके कुछ देर बाद ही मतगणना में धांधली नजर आई, जिसको लेकर उसी समय उनके द्वारा उपस्थित महाविद्यालय के निर्वाचन अधिकारियों को सूचना दे दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस पर कोई कार्यवाही न करते हुए मुझे धमकाने का प्रयास किया व चुनाव परिणाम घोषित कर दिए। मैं मतगणना से संतुष्ट नहीं थी, मेरे द्वारा हस्ताक्षर भी नहीं किए गए। उसके बाद आज अलवर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश तराहण व चुनाव अधिकारी चित्रा शेखावत को पुनः मतगणना के लिए ज्ञापन सौंपा गया। धांधली के चलते सभी में गहरा आक्रोश व्याप्त है व बड़ी संख्या में प्रत्याशी के समर्थक महाविद्यालय के गेट पर मौजूद रहे, लेकिन कॉलेज प्रशासन द्वारा इनकी सुनवाई नहीं की गई। प्रत्याशी ईशिका शर्मा ने बताया कि मतों की छटनी की प्रक्रिया को सही तरीके से नहीं की गई। वह मतगणना अधिकारी ने खुद अपनी मर्जी से बनाए मत पत्रों और मंडलों की काउंटिंग कर एक तरफा नतीजा घोषित किया गया। विरोध प्रदर्शन में ज्ञापन सौंपने वालों में कनिका गोयल, प्रिया परमार, समाजसेवी आकाश मिश्रा, शिवचरण कमल, जगराम पहलवान, प्रशांत राजा, पुनीत शर्मा आदि मौजूद रहे। मेरा नाम ईशिका शर्मा है, मैं उपाध्यक्ष पद से गौरी देवी कॉलेज से खड़ी हुई हूँ। जैसा कि हमारे चुनाव हुए थे 26 को, उसमें भी कुछ हमें लगा था कि कुछ धांधली हुई है। हमने मैम को बोला था, लेकिन मैम ने बोला हम खुद देख लेंगे, हम हमारे हिसाब से चेक कर रहे हैं, आप अपने काम पे फोकस कीजिए। हमने मान ली उस टाइम बात, लेकिन आज जब सुबह हमारी मतगणना हुई थी उसमें भी कुछ मिस्टेक रही थी, तब मैंने सिग्नेचर नहीं किए थे। उसके बाद भी ये जो चुनाव आयोग ने परिणाम घोषित करवा दिया था और मेरी वहाँ कोई बात नहीं सुनी गई थी, जबकि मेरे ऊपर ब्लेम लगाए गए थे बहुत तरह के। इसके बाद हम HDM सर के पास आए हैं, हमने ज्ञापन दिया है, इसके बाद हम चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं। क्या से आ रही है यहाँ ज्ञापन देना है? यहाँ पे ज्ञापन दिया है, इन्होंने हमें बताया कि हमें चुनाव आयोग वाले सदस्य से बात करनी चाहिए, फिर वो बताएंगे हमें क्या करना है। दोबारा से हम रीचेकिंग करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। रीचेकिंग चाहते हो? रीकाउंटिंग।